हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे थ्योरेटिकल समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को कर पाएंगे। तो इसके अंदर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ये फर्स्ट चैप्टर है, और इसकी स्टडी करने से हमें जो जानकारी प्राप्त होगी, एक तो नीड फॉर अकाउंटिंग के बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफ्रेंसिएशंस है उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी, टाइप एंड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आदि की जो जानकारी है वो हमें इस चैप्टर से प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है वर्ष के दौरान में ये जानना चाहता है कि उसके कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इट मीन्स जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। इसमें जो कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है अकाउंटिंग के अंदर, कंप्लीट रिकॉर्ड के अंदर सेल हुआ, परचेज हुआ, अदर एक्सपेंसेस जो होती हैं, सभी मॉनेटरी जो इंफॉर्मेशन है इसमें शामिल करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है, महसूस होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कि देखिए जो बिजनेस के अंदर वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, जो बिजनेस के अंदर से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब है कि जो मॉनेटरी टर्म्स की या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस की होती है उन्हें सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर कलेक्ट किया जाता है, समराइज उनकी समरी तैयार की जाए, एनालाइजिंग करना उनका विश्लेषण किया जाता है, और उसके साथ साथ रिपोर्ट तैयार की जाती है एक बिजनेस की, क्योंकि हमें यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और अकाउंटिंग वो प्रोवाइड करने में सक्षम होती है। यदि इसके बाद अगर हम मीनिंग्स के ऊपर देखें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को क्या करती है, कलेक्टिंग करती है, समराइज करती है, एनालिसिस रिपोर्टिंग तैयार करके वो बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने आती है। अब उन करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। अकाउंटिंग की एक करेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता है कि ये एक आर्ट के रूप में भी देखा जाता है इसको, और एक साइंस के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे आर्ट के रूप में अगर देखें तो आर्ट किसे कहते हैं, आर्ट एक वो टेक्निक है जो पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने में मदद करती है। तो अकाउंटिंग को भी हम एक आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करनी होती है, फर्म की बिजनेस की जो पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना होता है, उसको ध्यान में रखते ही यहाँ पे जो मॉनेटरी डाटाज है वो कलेक्ट किए जाते हैं, क्लासिफाइड किए जाते हैं, उनकी समरी तैयार की जाती है जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से, इसलिए इसे आर्ट के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, साइंस की अगर बात करें तो साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो अकाउंटिंग को भी हम साइंस के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, और यहाँ पर भी सर्टन जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के माध्यम से यहाँ पर यूज किए जाते हैं, इसलिए अकाउंटिंग एज ए आर्ट एज वेल साइंस के रूप में देखा जा सकता है। तो अब दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। यहाँ पे केवल जो बिजनेस के अंदर जो वेरियस टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सभी को इसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल जो मॉनेटरी नेचर्स की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल करेक्टर की होती हैं, उन्हें ही यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जा सकता है, बाकी की ट्रांजेक्शन्स को इसमें से दूर कर दिया जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शंस मैनेजर्स और इसके अंदर
सेल्स मैनेजर्स के बीच के अंदर अगर कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो बिजनेस के लिए काफी नुकसानदायक है। उसका ध्यान में रखना बिजनेस के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उसका कितना नुकसान होगा, इससे कितना उसका होगा, ये इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती। तो इसलिए इसे क्या है कि हम इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड है उसे शामिल किया जाता है। दूसरा नंबर थर्ड के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक के रूप में ये कहता है कि रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, कोई भी डील होती है बिजनेस में जो होती है, अगर हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, 10 टन माल खरीदा, 15 टन माल खरीदा, वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटी हम खरीदते हैं, तो उन क्वांटिटी को यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, केवल उसकी जो वैल्यू होती है उसे ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। 10 लाख का माल खरीदा, 20 लाख का माल खरीदा, ये हम शामिल करेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 15 टन माल का खरीदा, 20 टन माल का हमने उसके अंदर रिकॉर्ड रखें। तो यानी कि इट मीन्स रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर रखा जाता है, तो ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद में आ जाता है नंबर फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है, वो है इसकी क्लासिफाइंग करना। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो कलेक्ट की जाती हैं जो जर्नल और सब्सिडरी बुक की सहायता से, उन्हें फिर क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशंस का मतलब एक वो प्रोसेस के अंदर डालना जिसमें एक नेचर की आइटम को देख नेचर की जगह उसको लेके जाना सेपरेट, और इस तरह से जो वेरियस अकाउंट्स जो खोले जाते हैं जहाँ पे उन्हें हम लेजर के रूप में देखते हैं, सेपरेट जो अकाउंट्स है जो ओपन किए जाते हैं लेजर के अंदर, वो हर व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे इनकम हो, सभी का सेपरेटली अकाउंट खोल के उन्हें क्लासिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को जो मॉनेटरी नेचर्स की होती है। उसके आगे हम समराइज करना, यानी कि ये भी काम अकाउंटिंग का ही आता है, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। समराइज का मतलब एक वो आर्ट होती है जो कि जो डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट करे जिसे कि आसानी से समझा जा सके, जिन्हें आसानी से जो यूजर्स है और जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे को उसको डाटा को कंसेप्ट को क्लियर कर सकती है। इसमें जो समझने के लिए हमें जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर, उसके अंदर हम तैयार करते हैं, उसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और बैलेंस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से फाइनल अकाउंट है वो तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को शामिल करते हैं। इसके के आधार पे हम जो डाटा है वो समिट तैयार करते हैं, और यहाँ पे एक अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है जिसे हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि अकाउंटिंग, यानी जैसे ही हमारे पास ट्रांजेक्शन होती हैं तो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स, कुछ तो ट्रांजेक्शन्स है हम बुक कीपिंग के माध्यम से कैश बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर, जैसी नेचर होती है आइटम की उस तरह से ले जाते हैं, और जो सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो आइटम नहीं आती उसे जर्नल के थ्रू लेके जाते हैं, फिर वो लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। और पोस्टिंग करने के बाद में जब उसकी क्या है कि हमें समरी तैयार करते हैं, समरी करना है, तैयार करने के बाद में ट्रायल बैलेंस, और फिर हम रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, और जो यूजर्स और जो मैनेजमेंट के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी लाभदायक होती है। जो इस प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग साइकिल के रूप में देखते हैं। उसके बाद में नंबर सिक्स के अंदर हमारे पास आ जाता है इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जो यहाँ पे प्रोसेस के द्वारा, अकाउंटिंग साइकिल के द्वारा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाई है, जो रिपोर्टें हमने तैयार की हैं, उनकी व्याख्या करना, उन रिजल्ट्स को क्या है कि उल्लेख करना, और वे जो रिजल्ट्स हैं जो बनाई जाती हैं वो किसके लिए काम आते हैं, जो इससे रिलेटेड जो जितनी भी पार्टी हैं, जिसमें प्रोप्राइटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बैंक हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, आदि सभी को ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ बिजनेस है वो दी जाती है। उसके बाद में आ जाता है कम्युनिकेटिंग करना, ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक। कम्युनिकेट अकाउंटिंग फंक्शंस आल्सो इंक्लूडिंग ए कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटास। यहाँ पे जो डाटा जो हमारे पास फाइनेंशियल आते हैं उनका आपस में कम्युनिकेट करना, इंडिविजुअल्स जो रिक्वायरमेंट होती है उनके द्वारा पूरी की जाती है। तो इस प्रकार आज हमने ये कहा है कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके ऊपर चर्चा की है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस में आए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।